हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई सिटी एफसी के लेफ्ट बैक के खिलाड़ी मंदार राव देसाई के संपर्क में। तो दोस्तों, इंडियन सुपर लीग में काफ़ी सालों तक एफसी गोवा के लिए खेलने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया था मुंबई सिटी एफसी को। तो दोस्तों, मुंबई सिटी एफसी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेम टाइम पाया था अपने पहले ही सीजन में सर्जियो लोबेरा के अंडर में। लेकिन दोस्तों, पिछले 1.5-2 सालों से मुंबई सिटी एफसी के लिए मंदार राव देसाई को एकदम ही गेम टाइम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये सीजन तो मंदार राव देसाई को डैश बकिंगहम ने बिल्कुल भी गेम टाइम नहीं दिया है और मंदार राव देसाई बिल्कुल प्लेइंग 11 को डिजर्व करते थे। लेकिन दोस्तों, डैश बकिंगहम जो मुंबई सिटी एफसी के हेड कोच है, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम दिया है यंग इंडियन लेफ्ट बैक के खिलाड़ियों को, जैसे कि संजीव स्टाइलिन और विग्नेश। तो दोस्तों, इन्हीं दो लेफ्ट बैक के खिलाड़ियों को डैश बकिंगहम ने ज़्यादा से ज़्यादा गेम टाइम दिया है और पिछले सीज़न भी मंदार राव देसाई को गेम टाइम नहीं मिला था और ये सीज़न तो बिल्कुल भी गेम टाइम नहीं मिला है। और दोस्तों, ये सीज़न शुरू होने से पहले एफसी गोवा के हेड कोच कार्लोस पेना ने मंदार राव देसाई की मांग की थी, लेकिन दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टेड होने के कारण मंदार राव देसाई मुंबई सिटी एफसी को छोड़ नहीं पाए थे। तो समर ट्रांसफर विंडो 2023 में मंदार राव देसाई का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई सिटी एफसी के साथ ख़त्म हो रहा है और जैसे रिपोर्ट है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर नहीं गया है मंदार राव देसाई के पास और काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले नेक्स्ट सीजन में मंदार राव देसाई हम सभी को किसी और क्लब में खेलते हुए नजर आए। जहां पर इनको गेम टाइम मिलेगा वहीं पर मंदार राव देसाई जा सकते हैं, जैसे कि खबर है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या ओपिनियन है मंदार राव देसाई को लेकर? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।